इधर अनुच्छेद 370 पर फैसला आया, उधर नापाक पाकिस्तान बौखला गया। 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान तिलमिलाया, कश्मीर को हाथ से निकलता देख छटपटाया। पाकिस्तान एक ऐसा धूर्त देश है जो सिर्फ मुफ्त का सब कुछ चाहता है, उसके लिए मेहनत कुछ नहीं करना चाहता। कश्मीर पर हक ऐसे जमाता है जैसे वो भारत का नहीं बल्कि उसका ही अभिन्न अंग हो। कोई मंच नहीं छोड़ता, चाहे वो कोई घरेलू मंच हो जहां भाषण देने के लिए पाकिस्तान के नेता खड़े होते हो, या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच हो। पाकिस्तान की चर्चा का केंद्र कश्मीर ही रहता है, जैसे सब कुछ कश्मीर से ही शुरू होता है और कश्मीर पर ही आकर खत्म हो जाता है। जबकि कश्मीर से आगे भी पाकिस्तान का अपना मुल्क है, जहाँ की आवाम दाने दाने को मोहताज है, आटा पानी बिजली के लिए लूट मची है, आवाम त्राहिमाम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के नेता सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का राग अलापे हुए। अब जब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 खत्म करने के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर फैसला आया, तो पाकिस्तान जैसे गुस्से से लाल हो गया, जिसके जो मन में आया अनाप शनाप बकने लगा। पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जैसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, तभी तो कड़ी आपत्ति जताते हुए पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री ने इस फैसले को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि उनके इसे खारिज करने से कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान के विदेश मंत्री को इस फैसले को नकार कर सुकून मिलता है तो ऐसा ही सही। कह रहे हैं कश्मीर भारत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मसला है। पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास ने सोशल मीडिया पर लिखा, अंतर्राष्ट्रीय कानून भारत की 5 अगस्त 2019 की एक तरफा और अवैध कार्रवाइयों को मान्यता नहीं है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का कोई कानूनी मूल्य नहीं है। जम्मू कश्मीर का मसला दशकों से संयुक्त राष्ट्र में है, इस तरह से कश्मीरियों का हक नहीं छीना जा सकता। भारत अपने कानूनों और फैसलों के बहाने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों से पीछे नहीं हट सकता। वहीं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की है। हिना की माने तो भारत अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मदद से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को नजरअंदाज करने की कोशिश में है। हिना ने फैसले को भारत का दुष्ट रवैया तक बता डाला। हिना ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कई देश भारत के दुष्ट बर्ताव का अनुभव कर रहे हैं। यूएनएससी के प्रस्तावों और कश्मीर पर अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को खत्म करने के लिए अपने घरेलू सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का प्रयोग करने का भारत का प्रयास शर्मनाक है। आगे हिना रब्बानी ने लिखा, ये भी याद दिलाना होगा कि भारत ही कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले गया था। वहीं पूरे पाकिस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की आलोचना हो रही है। 5 अगस्त 2019 को जब मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को संविधान से हटाया था, तब पाकिस्तान में इसकी जमकर आलोचना की गई थी। पाक हुकूमत के जहरीले बोल से लेकर सड़क पर प्रदर्शन भी खूब हुआ था। अभी भी पाकिस्तान में जमकर विरोध हो रहा है। पाकिस्तान मीडिया में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की जा रही है। पाक मीडिया ने इस फैसले को मोदी सरकार की साजिश करार दिया है। पाकिस्तान के इस रिएक्शन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान को कितनी निराशा हुई है, इसका अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान की निराशा साफ साफ झलक रही है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है। पाकिस्तान चाहे तो और चीखे और चिल्लाए, लेकिन कश्मीर भारत का था, है और हमेशा रहेगा। कश्मीर को भारत से कोई नहीं छीन सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ अल्फाजों में कह दी है। सोमवार को आए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले को बरकरार रखा है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जिस तरह से पाकिस्तान तिलमिलाया है, इस पर आपका क्या कहना है? पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों को जिस तरह से कश्मीर पर आए फैसले से तीखी मिर्ची लगी है, इस पर आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।